संसद भवन पर हंगामा करने वाले लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा के मामा का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार सदमे में है। वह कहते हैं कि जिस दिन सागर उनके घर लौट कर आएगा तो सबसे पहले वह यह सवाल पूछेंगे। इसमें गवर्नमेंट को सब जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए सही गलत, किसका हाथ है किसका नहीं हाथ है। और ये तो बूढ़े माता पिता का घर चलाने वाला बच्चा है जो गुजारिश वहाँ एक ही है और बाकी बहन है, बस एक बहन है, उसकी भी पढ़ाई बंद है बेरोजगारी की वजह से। बस कमाते घर का खर्च चलाते हैं, तो किराए पर रहते हैं, रिक्शा चला कर ही पूरा किराया। पिताजी भी हैं इनके, पिताजी कारपेंटर हैं। हाँ, हम लोग के यही काम ही होता, हम भी वही काम करते हैं सब अलग अलग। आप काफी भावुक हैं, अब बस सरकार से आपकी क्या मांग है जी? किसी तरीके से भैया, बस एक आखिरी सवाल, जब सागर आपके पास आएगा पहला सवाल आपका क्या होगा? सागर से क्या पूछेंगे आप? आप मामा हैं, बचपन से उसको पाला होगा, गोद में खिलाया होगा, आप क्या पहला सवाल पूछेंगे उससे? ये गंदा काम क्यों, इसमें लिंक क्यों हुआ, इसमें लेबल ये गंदी चीज में क्यों हुआ? कभी ऐसा हुआ नहीं है। कभी किसी भूखे रहना पसंद है लेकिन गंदा नाम नहीं होना चाहिए समाज में। तो कभी किसी राजनीतिक दल वालों से नहीं जुड़ा था? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं था। अगर हो तो कैसे बता सकते हैं, हम लोग अलग अलग रहते हैं। वो कभी किसी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन में नहीं किया? मैंने देखा नहीं है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।